होममेड हेम्प सीड मिल्क। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो एक और हेल्दी न्यूट्रिशियस इजी सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। हेम्प सीड मिल्क जो होता है उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। इट इज़ हाई इन प्रोटीन, इट इज़ हाई इन हेल्दी फैट, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्मोनल बैलेंस के लिए, स्ट्रेस एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए, आपकी इम्यूनिटी और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए ये वीगन मिल्क बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको डेयरी से एलर्जी है तो आप इसे जरूर ट्राई करें। ये मैं होल हेम्प सीड ले रही हूँ, यानी ये हस्क के साथ है। जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई वो बिना हस्क के हैं, वैसे भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हमने इसे रिंस किया है और फिर हम इसे सोक करेंगे। आप ओवरनाइट सोक कर सकते हो, लेकिन कम से कम कुछ घंटे आप सोक करें। तो अब हम इसे ऐड करेंगे और पहले बहुत कम पानी के साथ इसे हम ब्लेंड करेंगे। और फिर हम बाकी पानी डालेंगे और फिर इसे दोबारा ब्लेंड करेंगे। देखिए थोड़ी ही देर में ब्लेंड करने के बाद कैसे मिल्की इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। ये दिखने में बिल्कुल हमारे डेयरी मिल्क जैसा लगेगा, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही नटी, बहुत ही टेस्टी होगा। थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर होता है इसका, मुझे आमंड मिल्क से भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये। हम इसे एक किचन क्लॉथ में या फिर एक कॉटन के कपड़े में या फिर एक मसलिन क्लॉथ में स्ट्रेन करेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करके सारा इसका मिल्क आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एंड क्योंकि हेम्प सीड्स जो होते हैं दे आर नॉट ईजिली अवेलेबल इन इंडिया, मेरे घर के पास मॉडर्न बाज़ार है, वहाँ ये इजीली मिलता है, तो आप ऐसी हाइपर मार्केट्स जो होती हैं वहाँ से इन्हें खरीद सकते हैं। तो जो इसका रेसिड्यू था उसे मैं दोबारा यूज़ कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती, क्योंकि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं चाहती हूँ इनका पूरा मिल्क अच्छी तरह मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ। मैंने इन्हें दोबारा से स्ट्रेन कर लिया है और ये मेरा हेल्दी डिलीशियस हेम्प सीड मिल्क जो है वो रेडी हो गया है। ये जो पहले वाला है वो काफ़ी थिक है, दूसरे वाला थोड़ा पतला है। आप इसे स्मूदीज में, शेक्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे गर्म करके लेना चाहें तो इसे धीमी आंच पे स्टर करते हुए गर्म करें। आई होप यू एंजॉय दिस रेसिपी। इसका टेक्स्ट फॉर्म आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं जल्द ही अपडेट कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।